are doing great. So today is Eid day 2 and we are in BGK. I mean Abbottabad. Hi. Hi guys. Hello guys. जैसा कि आपको पता है कि ईद का मतलब मीटिंग एंड ग्रीटिंग होता है, तो वही करने के लिए आज हम एबटाबाद आए हैं अपने बाकी रिश्तेदारों को मिलने के लिए। मैं अब आपको अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगी और आप भी देखिएगा कि हम ईद कैसे मिलते हैं। की मीटिंग्स और ग्रीटिंग्स के अलावा यहाँ पर जो मौसम हो रहा है इस वक्त वो बहुत खूबसूरत है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। छोटा सा एक लॉन इन्होंने डेकोरेट किया। तो सबसे पहले मैं अपनी फूफो के घर गई थी, वहां पे उन सबको मिली और उन्होंने हमें उनके जो लॉन में लगे हुए थे जर्चे वगैरह वो खिलाए, वो हमने खाए। आपों के घर से होने के बाद अभी मैं अपने मामू के घर जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए और उसके बाद खाला के घर जाऊँगी, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। एक मेरे मामू का घर ये सामने वाला है और एक ये साइड पे, इनको ही मिलेंगे और नीचे मेरे एक कज़न है उनको ही मिलेंगे। इस वाली टहनी के साथ हम बहुत मज़े किए हैं, राइट राइट। इधर ये सामने वाली पीछे भी है। फातिमा तुम कहाँ से तोड़ रही हो? मुझसे इस तरफ भी है, इधर तुम चढ़े हुए हो, उधर नहीं खास इतने मीठे रेड रेड से नजर आ रही। ये टहनी भी मजे की, हाँ देखना एहतियात से आराम से। ये तहरीन की चची सास का घर है और वो देखो उनके बाग में स्ट्रॉबेरीज लगी हुई हैं। कौन सा वाला? वो देखो खुबानी के दरख्त के नीचे स्ट्रॉबेरीज हैं जी। सास बहू आपस में जेज को डिस्कस कर रहे हैं कि कितनी रजाइयाँ और कितनी तलाइयाँ होनी चाहिए। आप लोग भी सोचेंगे कि मिलने जा रही है कभी फुफ्फो के घर, कभी मामू के घर, कभी कहाँ, लेकिन कोई सामने आ नहीं रहा, किसी को मिलते हुए नज़र नहीं आ रही है कुछ इस तरह से। तो वो इसलिए भी क्योंकि जैसे आप पता है कि हर कोई कैमरा के सामने नहीं आ सकता, कुछ कैमरा शाये होते हैं, कुछ अपनी प्राइवेसी होती है, तो जो बच्चे वगैरह हैं वही मतलब सामने आते हैं और उन्हीं को मैं खुद भी लाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ताकि कोई इशू ना बने या कुछ इस तरह। तो अभी इसके बाद मैं अपने खाला के घर जा रही हूँ। असर का टाइम हो गया और इस इलाके की मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगती है, एक तो उधर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही टॉप पे है तो यहाँ से सारा एबटाबाद नज़र आता है। सेकेंडली इसकी ये खूबसूरती है कि यहाँ पे जब अज़ान का टाइम होता है, मगरिब या असर या किसी भी अज़ान का नमाज का टाइम होता है, तो अज़ानें गूंजती हैं चारों तरफ, क्योंकि यहाँ पे मतलब जितनी भी मस्जिद है सबकी इकट्ठी अज़ान स्टार्ट हो जाती है, तो वो उसकी जो गूंजने की आवाज़ है बहुत खूबसूरत लगती है।